वेलकम बैक फ्रेंड्स, नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं RSM SSB के जो GK के क्वेश्चन है, हम ये देखने वाले हैं जो आपको आगामी एग्जाम है, CET हो, LDC हो, सूचना सहायक हो या कोई भी एग्जाम हो, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट GK के क्वेश्चन है हम ये देखने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो पिछले जो एग्जाम के अंदर है वो आए वाले हैं, ये क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। तो किसके साथ हुए युद्ध में परीम दीर्घन देव चंदेल को अपने दो वीर सेना नायकों को अल्लाह व उदल को प्राण गंवाने पड़े? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहला है ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी है भीम, सेकंड सोलंकी, ऑप्शन सी है मोहम्मद गौरी तुर्क, ऑप्शन डी है जयचंद गढ़वाला। तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पे, तो इसका जो सही आंसर है पहले के अंदर, जो पृथ्वीराज चौहान के साथ हुए युद्ध के अंदर जो इनके दो वीर सेना नायक है अल्लाह और उदल, उनको प्राण गंवाने पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। तराइन के प्रथम युद्ध 1991 ईस्वी सन के संबंध में क्या क्या सत्य है? तो इसके अंदर जो सच है वो हमें पहचानना है। ऑप्शन ए है पृथ्वीराज तृतीय के युद्ध मोहम्मद गौरी का पराजय, ऑप्शन बी है मोहम्मद गौरी के हाथों पृथ्वीराज तृतीय की पराजय, ऑप्शन सी है युद्ध का निर्णय नहीं हो सका, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो दूसरे क्वेश्चन के अंदर सही आंसर है, ऑप्शन ए पृथ्वीराज तृतीय के हाथों मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी तराइन के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तराइन का युद्ध 1992 ईस्वी सन में किसके हाथों पृथ्वीराज तृतीय की पराजय हुई? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन बी है मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी है तैमूर लंग, ऑप्शन डी है नादिर शाह। तो तीसरे क्वेश्चन के अंदर इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। राय पिथोरा कहा जाता है, राय पिथोरा किसे कहते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पृथ्वीराज तृतीय को, ऑप्शन बी है गोविंद राज को, ऑप्शन सी है हरिराज को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस चौथे क्वेश्चन के अंदर सही आंसर है यहाँ पे पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। कौन सा परमा शासक कविराज के नाम से विख्यात था? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए उत्पलराज द्वितीय, ऑप्शन बी है धारावर्ष, ऑप्शन सी है भोज परमार, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पांचवें क्वेश्चन के अंदर इसका सही आंसर है भोज परमार जो है वो कविराज के नाम से विख्यात था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन। सूफी संत ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है महाराणा प्रताप, राणा प्रताप, ऑप्शन बी है राणा सांगा, ऑप्शन सी है राणा कुंभा, ऑप्शन डी है पृथ्वीराज चौहान। तो छठे क्वेश्चन के अंदर इसका सही आंसर है पृथ्वीराज चौहान के समय जो सूफी संत है ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती जो राजस्थान आए थे। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, चौहान वंश के रणथंभौर शाखा का संस्थापक था? इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हरिराज, ऑप्शन बी है गोविंद राज, ऑप्शन सी है हमीरदेव, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सातवें क्वेश्चन के अंदर इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गोविंद राज जो है वह चौहान वंश के रणथंभौर शाखा का संस्थापक था। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। रणथंभौर का महानतम चौहान शासक था? तो महान शासक जो है चौहान का रणथंभौर तक का कौन था? तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए है हरिराज, ऑप्शन बी है गोविंद राज, ऑप्शन सी है हमीरदेव, ऑप्शन डी है जैत्र सिंह। तो आठवें क्वेश्चन के अंदर इसका जो सही आंसर है हमीरदेव है वो जो रणथंभौर का महानतम शासक चौहान शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवा क्वेश्चन। नवा क्वेश्चन के अंदर है अलाउद्दीन खिलजी के किस अभियान के वर्णन के क्रम में सामाजिक लेखिकाओं द्वारा जौहर व्रत का पहला विवरण मिलता है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है रणथंभौर, ऑप्शन बी है मेवाड़, ऑप्शन सी है मालवा, ऑप्शन डी है जालौर। तो नवे क्वेश्चन के अंदर इसका सही आंसर है ऑप्शन ए है रणथंभौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दसवां क्वेश्चन। जय सिंह सूरी लेखक थे तो जय सिंह सूरी इसमें से किसका लेखक था? तो ऑप्शन ए हमीर मद मर्दन, ऑप्शन बी है हमीर महाकाव्य, ऑप्शन सी है हमीर मठ, और ऑप्शन डी है हमीर रसो। तो दसवें क्वेश्चन के अंदर इसका सही आंसर है हमीर मद मर्दन का जो है जय सूरी लेखक था। ग्यारहवां क्वेश्चन देखते हैं, ग्यारहवां क्वेश्चन है कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? तो
ऑप्शन ए है प्रतिहार नरेश वत्सराज, ऑप्शन बी है पाल नरेश धर्मपाल, ऑप्शन सी है राष्ट्रकूट नरेश ध्रुत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 11वें क्वेश्चन के अंदर इसका सही आंसर है प्रतिहार नरेश वत्सराज ने जो है वो कन्नौज पर अधिपत्य स्थापित करने के लिए क्षत्रिय संघर्ष की पहल की थी। 12वां क्वेश्चन देखते हैं प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था, तो इसका ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन ए है नागभट्ट, ऑप्शन बी है वत्सराज, ऑप्शन सी है नागभट्ट, ऑप्शन डी है महीरभोज। तो 12वें क्वेश्चन के अंदर इसका सही आंसर है 12वें क्वेश्चन के अंदर इसका सही आंसर है ऑप्शन डी महीरभोज है वो प्रतिहार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13वां, अरब यात्री सुलेमान 1851 ईस्वी से किस प्रतिहार शासक की सैनिक शक्ति और सुव्यवस्थित शासन की बड़ी प्रशंसा की है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन ए है नागभट्ट, ऑप्शन बी है वत्सराज, ऑप्शन सी है नागभट्ट, ऑप्शन डी है महीरभोज। तो 13वें क्वेश्चन के अंदर इसका जो फिर से आंसर होगा महीरभोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिहार शासक कर्पूर मंजरी के रचयिता चंद्रशेखर का शिष्य तथा संरक्षण था। तो इसके ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन ए है वत्सराज, ऑप्शन बी है महेंद्रपाल फर्स्ट, ऑप्शन सी है महीरभोज, ऑप्शन डी है नागभट्ट। तो 14वें क्वेश्चन के अंदर इसका जो सही आंसर होगा महेंद्रपाल फर्स्ट जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15वां क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16वां क्वेश्चन, किस परमा शासक के संबंध में वर्णन मिलता है कि वह एक बाण से तीन भैंसों को बींद डालता था। तो इसके ऑप्शन ए है उत्पल राज, ऑप्शन बी है धारावर्ष, ऑप्शन सी है उत्पल राज द्वितीय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 16वें क्वेश्चन के अंदर इसका सही आंसर है धारावर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17वां क्वेश्चन, मालवा के परमार शासकों को में से किसे सबसे महान शासक माना जाता है। ऑप्शन ए है उत्पल राज, ऑप्शन बी है धारावर्ष, ऑप्शन सी है भोज परमार और ऑप्शन डी है उत्पल राज द्वितीय। तो 17वें क्वेश्चन के अंदर इसका जो सही आंसर है तो भोज परमार इसका सही आंसर है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, किस परमार शासक के बारे में यह अनुश्रुति मिलती है कि वह हर कवि को उसके हर श्लोक पर 1 लाख मुद्राएं प्रदान करता था। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन ए है धारावर्ष, ऑप्शन बी है उत्पल राज, ऑप्शन सी है भोज परमार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 18वें क्वेश्चन के अंदर इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आएगा धारावर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19वां क्वेश्चन, भोज परमार की रचना सरंगागण सूत्रधरा किस विषय से संबंधित है। ऑप्शन ए है सत्यापद शास्त्र से, ऑप्शन बी है योग विज्ञान से, ऑप्शन डी है खगोल विज्ञान से, ऑप्शन डी है काव्य शास्त्र से। 19वें क्वेश्चन के अंदर इसका सही आंसर आएगा सत्यापद शास्त्र से जो है वो सरागण सूत्रधर रचित है। 20वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 20वां क्वेश्चन देखते हैं, किसने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा गांव में 1031 ईस्वी में ऋषभदेव आदिनाथ का मंदिर बनवाया। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन ए है विमल शाह अवेश्य, ऑप्शन बी है तेजपाल, ऑप्शन सी है वस्तुपाल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 20वें क्वेश्चन के अंदर इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विमल शाह अवेश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21वां क्वेश्चन, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक था। तो ऑप्शन ए है हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी है गुहिल, ऑप्शन सी है वासुदेव, ऑप्शन डी है सिंहा। तो 21वें क्वेश्चन के अंदर इसका सही आंसर है सिंहा, जो मारवाड़ के राठौड़ वंश का जो संस्थापक है वो सिंहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22वां क्वेश्चन, जोधपुर नगर का संस्थापक था। तो इसके ऑप्शन देखते हैं ए है राव जोधा, ऑप्शन बी है अजय राज, ऑप्शन सी है मालदेव और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 22वें क्वेश्चन के अंदर इसका सही आंसर है राव जोधा है वो जो है जोधपुर नगर का संस्थापक है और अजय राज है यहाँ पे वो है वो अजमेर का जो है संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23वां क्वेश्चन, मारवाड़ के किस शासक के समय अत्यधिक कठिनाई से मिली सोमल की विजय के बाद शेरशाह हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो ऑप्शन ए है राव जोधा,
ऑप्शन बी है राव मालदेव, ऑप्शन सी है राव चंद्रसेन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 23वें क्वेश्चन के अंदर इसका सही आंसर यहाँ पे तो आएगा राव मालदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24वां क्वेश्चन। पहला राजपूत शासक जिसने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता मरते दम तक स्वीकार नहीं की, तो इसका ऑप्शन है देख लेते हैं। ऑप्शन ए है राव चंद्रसेन, ऑप्शन बी है राव उदय सिंह, ऑप्शन सी है जसवंत सिंह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 24वें क्वेश्चन के अंदर इसका सही आंसर है राव चंद्रसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1668 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 25वें क्वेश्चन के अंदर इसका सही आंसर आएगा मध्य प्रदेश के अंदर जो है धर्मत स्थित है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ये 25 क्वेश्चन है, हमारी ऐसी सीरीज चलती रहेगी जो राजस्थान है सीईटी हो एनडीसी हो या सूचना सहायक हो, जो आने आने वाले जो आगामी एग्जाम, ये जो क्वेश्चन है मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ वो जो है वो पिछले जो एग्जाम के अंदर है RSNSSB के वो हुए वाले क्वेश्चन है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।